कैसे हो? आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सुबह के नाश्ते में पास्ता बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने पास्ता बॉईल करी हूँ। 10 मिनट तक पास्ते को बॉईल करिए। ये देखिए, मैंने इसके अंदर कटिंग करके रख दिया प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। 2 ही हरी मिर्च ली मैंने। पास्ता बॉईल हो चुका। ज्यादा पानी नहीं डालना है पास्ते में, नहीं तो वो चिपक जाता है एक दूसरे को। यहाँ कढ़ाई रखी हूँ मैंने। कढ़ाई में तेल डालना है। 5 मिनट तक तेल को गरम होने दीजिए। तेल गरम हो चुका। 5 गैस पे तेल को गरम होने दो। उसके बाद फिर प्याज डाला मैंने, प्याज को लाल होने के लिए। पास्ता बॉईल हो चुका। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है इसके अंदर। तो पानी को अच्छी तरीके से निकाल के दूसरे बर्तन में निकाल के इसको रखिए। ये देखिए, पानी इसके अंदर जरा सी भी नहीं रहना चाहिए। पास्ता मेरा फ्राई हो गया। इसके अंदर अब मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च। 2 ही कटिंग करी हूँ मैंने। 2 ही हरी मिर्च डालना है। इसको अच्छे से होने दीजिए। और इसके अंदर अपन डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाले से क्या टेस्ट आता है पास्ते में। 1 मैगी मसाले का पाउच मैं डालूंगी इसके अंदर। मसाला हो गया, कांदा और टमाटर फ्राई हो गया। अब इसके अंदर डाल दी हूँ मैं मैगी मसाला। ये मैगी मसाला है, इसको 1 पूरा डालना है। और इसके अंदर ही इसको मिक्स करना अच्छी तरीके से। और इसमें ही नमक भी ऐड करना है अपने को मसाले में। नमक भी इसमें ऐड करना है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए आप भी। बहुत इजी है, मैं बहुत इजी बता रही हूँ। ज़्यादा मैं मसाला नहीं डाली हूँ इसके अंदर। ये मेरा मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर अपने को डालना है जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखी हूँ। ये पास्ता देखिए, मेरा पास्ता तैयार हो गया। अच्छी तरीके से चला। ये पास्ता रेडी हो चुका है। इसको 5 मिनट तक खाली अपने को धीमी आंच पे रखना है। ये देखिए, मेरा पास्ता हो गया रेडी। 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे बनाने के लिए। आप भी ट्राई करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जजाकल्ला।